हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चाल किस प्रकार होगी, किस प्रकार ग्राफ जा रहा है, अगर अगले दिन के मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा, ये जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें जो है आप लोग जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आप जो है जो भी फीडबैक देना चाहे कमेंट्स में दीजिए, और इसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है और इसको और कैसे आप अच्छा बना करके लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो भी देखिए। और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज और जो भी फैक्टर्स है वो तो आपको स्टडी करना ही है, साथ ही जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस का भी आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, इस जो हम वीडियो बना रहे हैं इसको आप किस कुछ समय तक देखते रहिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप इसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये नया है। जिस तरह से आपने मार्केट को समझने के लिए पहली बार जो भी टूल्स का उपयोग किया वो आपको उसको समझने में समय लगता है, उसी प्रकार ये तरीके को भी आपको समझने में अगर समय लग रहा है तो उसे देखिए तो कुछ समय तक, और फिर आप शायद इसका अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे। तो देखिए, अभी जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है कल के सेशन में, और जो है जैसे कि आज 14 नवंबर के मार्केट में आपने देखा कि जो है अपसाइड भी रिस्ट्रिक्टेड था, डाउनसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं गया, वैसे ही आपको कुछ जो है कि दोनों फैक्टर्स काम करते दिखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, और बहुत बड़ी रेंज की यहाँ पर हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रुपी लेवल में जैसे कुछ वीकनेस दिखाई देती है, कल हो सकता है कुछ वीकनेस हमको बढ़ती हुई देखने को मिले। फिर से वही बात है कि निफ्टी सपोर्ट लेवल और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल यहाँ पर डाउन साइड और लिमिटेड लग रही है, और बाइंग भी हमें देखने को जो है कल के सेशन में मिलेगी। निफ्टी रेंज जो है वो है 18,245 से लेकर के 18,460 के बीच में लगती है, और साथ ही जो है निफ्टी की तुलना में जो है बैंक निफ्टी का यदि आप मूवमेंट देखें तो निफ्टी में ही स्टेबिलिटी हमको और ज्यादा यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के जो लेवल बाकी हम बात करें तो 41,725 से लेकर के 42,655 के बीच में हमें यहाँ पर निफ्टी जो है बैंक निफ्टी की रेंज जो है दिखाई देती है, और यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक बात ये भी दिखाई देती है कि जब भी ऊपरी लेवल्स पर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो वहाँ सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो प्लेनेटरी मूवमेंट अभी हुआ है कुछ दिनों से, तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी आपको सेलिंग प्रेशर जो है दिखाई देगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई देती है, कुछ गैप अप मीन्स बहुत बड़ा नंबर नहीं, बट फिर भी एक लिमिटेड गैप के साथ में हम कह सकते हैं कि ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक आप देखेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस रेंज जो है बढ़ रही है और हायर प्राइजेस की ओर ट्रेड हो रहा है, और जो लेवल भी जो है होल्ड होते हुए हमें दिखाई देंगे। 10 से 11 बजे तक हम देखेंगे कि अपसाइड रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा और सेलिंग भी कुछ देख सकते हैं, और फिर वहां से हम देखेंगे कि मार्केट जो है डाउन साइड भी आता हुआ दिखाई देगा। फिर 11 से 12 के बीच हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट
जो है डाउन आ चुका है कुछ लेवल पर पिछले घंटे की तुलना में, और वहां पर सपोर्ट लेवल्स भी टेस्ट होंगे, थोड़ा सा फिर सपोर्ट बनेगा और मार्केट उन लेवल्स को होल्ड करेगा और वहां से मार्केट फिर से ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम फिर देखेंगे कि ऊपर की ओर जैसे मार्केट ने जाना शुरू किया तो वहां से फिर से रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा हम, और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। पर यहाँ पर एक खास बात दिख रही है कि अब जो है गिरावट जो है उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी कि पिछले घंटे में हमने कभी देखी थी। 1 से 2 बजे तक जो है अपसाइड रेजिस्टेंस फिर से मिलेगा और मार्केट डाउन जाएगा और फिर से सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगा, और वहां से सपोर्ट लेवल पर रुकने के बाद हम देखेंगे कि फिर से मार्केट अपसाइड जा रहा है। अब 2 बजे से 3 बजे तक हम देखेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा और वहां पर जो लेवल्स भी हैं जो वो होल्ड होंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपने 1 या 2 बजे तक कोई लेवल पर शॉर्टिंग की होती है तो वो शायद आपको वहां से कभी स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता दिखेगा या आपको जो है पोजीशन से एग्जिट हो सकता है करना पड़ेगा वहां पर। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 बजे से 3:30 बजे तक फिर से जो है मार्केट अपसाइड रेजिस्टेंस देख रहे हैं और फिर वहां से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो एक बार और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको इस दिनों तक वीडियोस को देखते रहिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इसको मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। बाकी सभी तरीके जो हैं पहले के जो टेक्निक्स है वो फॉलो करके साथ में एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच को आप इसमें ऐड कीजिए तो आपको इसका और लाभ मिलता रहेगा। और आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स द्वारा हमें सपोर्ट कीजिए, और आप इसको इसमें क्या सुधार चाहते हैं या आपको किस तरीके से बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें वो भी आप इसमें जानकारी देते रहिए, और आपका इसका जो है लाभ अधिकतम ले सके। आपकी ट्रेडिंग शुभ हो। अभी मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।